नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। रोहित शर्मा और कीरोन पोलार्ड के बीच तूफानी पारी। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता को 6 विकेट से हराया। पोलार्ड ने 17 गेंदों पर 51 और रोहित ने 49 गेंदों पर खेली 68 रनों की पारी। आईपीएल में आज रैना का मुकाबला धोनी से। सिर्फ 2 मैच जीत सकी है धोनी की पुणे सुपर जायंट्स। 6 में से 5 मैच जीतकर रैना की गुजरात शीर्ष पर। एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची साइना नेहवाल। पीवी सिंधु का सफर दूसरे दौर में ही खत्म। साइना ने थाईलैंड की नित्चा ओन जिंदापोल को हराया। शीर्ष पाक क्रिकेटरों ने नहीं भरा कोच पद के लिए आवेदन। पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा और वसीम अकरम चयन समिति के अध्यक्ष। विदेशी खिलाड़ी को कोच बनाना चाहता है पीसीबी। क्रिस गेल का सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड टूटा। हम वतन इराक थॉमस ने 21 गेंदों पर जड़ा शतक। गेल ने 30 गेंदों में बनाए थे आईपीएल में 100 रन। और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के कप्तान होंगे केन विलियमसन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ब्रैंडन मैकुलम की जगह लेंगे। विलियमसन को लंबे समय से कप्तान बनाए जाने की चल रही थी बात। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।